हे फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल शिल्पा फैशन हाउस में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और बहुत ज़्यादा ही मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से मीशो से 10 कुर्ती कुर्ता सेट लेके आई हूँ। बहुत ही अफोर्डेबल हॉल होने वाला है, अंडर 500 के ही हम सारे कुर्ती कुर्ता सेट देखेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। जो मेरा फर्स्ट वन कुर्ता है, कुछ हम इस टाइप का चिकनकारी कुर्ते से स्टार्ट करते हैं। तो ये बेबी पिंक कलर का पिक करा है मैंने। तो इसकी बात करें तो फुल ऑन जॉर्जेट फैब्रिक का इस टाइप से आ रहा है कुर्ता, जिसमें फुल ऑन रेशम के थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी करके दी है। साथ में 3/4 से ज़्यादा लॉन्ग स्लीव्स आ रही है। इसमें मैंने एल साइज़ को पिक करा है। इसमें राउंड नेक विथ हल्का सा वी कट आ रहा है। साथ में ये मेरी बिल्कुल ही काल्फ लेंथ तक का था। मेरी हाइट 5'4" है और दोनों साइड से स्लेट प्रोवाइड है। बैक साइड से बात करें तो बैक साइड से पूरा इस टाइप से प्लेन आ रहा है। इस कुर्ते को मैंने स्लिक पिक करा है, चिकनकारी कुर्ते को, क्योंकि इसमें लाइनिंग में हमको प्रोवाइड है। सेम कलर की लाइनिंग होती ना तो अलग से ढूंढने का कोई भी झंझट नहीं रहता है। तो सेम मैंने बेबी पिंक कलर की इसमें लाइनिंग आई है। तो इसकी बात करें, इस लाइनिंग की बात करें तो ये बेबी पिंक कलर की सेम कलर की मिल रही है। फुल ऑन कॉटन ब्लेंड मटेरियल में मिल रही है। सॉफ्ट वाला कॉटन फैब्रिक है। दोनों साइड से हमको सेम राउंड नेक मिल रहा है, कहीं से भी आप डाल सकते हैं। स्लीवलेस पैटर्न में मिल रही है। इसकी लेंथ की बात करें तो कुर्ता हमें काल्फ लेंथ तक का था। लाइनिंग मुझे थाइज एरिया तक की थी और दोनों साइड से हमको स्लेट प्रोवाइड हो रहा है। तो बहुत ही सॉफ्ट वाली लाइनिंग मिल रही है, साथ में बहुत ही अच्छा हमको कुर्ता मिल रहा है। तो ओवरऑल कुर्ता बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत ही कम्फर्टेबल था। इसका एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी, तो देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वन प्रोडक्ट की साइड, जो है बहुत ही मस्त। एक मैंने ये कुछ ग्रीन कलर का फ्लावर प्रिंट में एक कुर्ता पिक करा है। इसकी बात करें तो ये फुल ऑन कॉटन मटेरियल का आ रहा है और ये इस टाइप का बहुत ही प्यारा। इसका फ्लोरल प्रिंट आ रही है। तो इस कुर्ते की बात करें तो हमको मैड्रिन नेक मिल रहा है, जिसमें बटन्स लगा के दिए वुडन के। ये फंक्शनल नहीं है, शोपीस के लिए हमें नीचे तक के बटन लगा के दे रहे हैं वुडन वाले, जो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। साथ में 3/4 स्लीव्स आ रही है इस टाइप से और स्लीव्स को हल्का सा फोल्ड करके दिया, जिसमें वही वुडन बटन लगा के दिया है। इस कुर्ते के फैब्रिक की बात करें तो फुल ऑन कॉटन मटेरियल का, इसलिए ये कुर्ता मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। साथ में जो दिख रहा है आपको पूरा फ्लोरल का ये प्रिंटेड आ रहा है, पिंक और लीव्स की डिटेलिंग उन्होंने येल्लो कलर से दी है, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। दोनों ही साइड से हमको स्लेट प्रोवाइड है कुर्ते में, साथ में हमको ना फ्रंट साइड से भी स्लेट दे रखी है, जिससे कुर्ता बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेंथ की बात करें तो एग्जैक्ट मुझे नी लेंथ तक का था, मेरी हाइट 5'4" है। बैक साइड से बात करें इस कुर्ते की तो बहुत ही प्यारा फ्लोरल प्रिंट के साथ आ रहा है। तो ओवरऑल कुर्ता कलर क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। एल साइज का पिक करा है। इसमें 4 कलर ऑप्शन है, बट मैंने इलायची ग्रीन कलर होता है उस पे इस टाइप के प्रिंट का कुर्ता पिक करा है। इसका भी प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी, तो देख लीजिएगा और इसका ट्राई ऑन हॉल देखना ना भूलें। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वन प्रोडक्ट के साइड, जो है बहुत ही मस्त। एक मैंने ये इस टाइप का बहुत ज़्यादा ट्रेंडी कुर्ता सेट पिक करा है। ये कुछ इस टाइप का है, इसमें कुर्ता एंड बॉटम वेयर है, तो मैंने सोचा चलो ये भी पिक करके देखते हैं। फर्स्ट हम इसके कुर्ते की बात करते हैं। कुर्ता फुल ऑन कॉटन मटेरियल में आ रहा है, बहुत ही सॉफ्ट वाला कॉटन मटेरियल है। 3/4 स्लीव्स आ रही है। स्लीव्स में बहुत ही अच्छी लाइट ग्रीन कलर की बॉर्डर लगा के दी है। साथ में ना हमको बहुत ही अच्छा राउंड नेक मिल रहा है और एक बटन लगा के दिया है फ्रंट साइड से इस टाइप का, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी पूरे कुर्ते पे बहुत ही अच्छी इलायची ग्रीन कलर और ब्लैक कलर और ब्लू कलर से प्रिंट करके दिए। रबर प्रिंट बहुत ही अच्छी कलर की करके दिए, जिससे बहुत ज़्यादा कुर्ता हाईलाइट हो रहा था। दोनों साइड से स्लेट है। लेंथ की बात करें तो ये एग्जैक्ट नी लेंथ तक का था। मेरी हाइट 5'4" है। बैक साइड से बात करें तो बैक साइड से पूरा इस टाइप से प्लेन सेम प्रिंट के साथ मिल रहा है। कुर्ते की क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छा फैब्रिक है, इसका कॉटन फैब्रिक है। वाइट कलर होने के कारण हल्का सा ट्रांजी हो सकता है, तो इसमें आप लाइनिंग डालेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, बट मैंने ट्राई ऑन हॉल में कोई भी लाइनिंग नहीं डाली है। अब हम इसके बॉटम वेयर को देखेंगे। बॉटम वेयर कुछ हमें इस टाइप का मिल रहा है, बहुत ही प्यारा पैरेट ग्रीन कलर का बॉटम वेयर मिल रहा है। पैटर्न की बात करें तो पैंट पैटर्न का है। दोनों साइड से हमको इलास्टिक मिल रही है इस टाइप से और थाइज एरिया से देखिए आप कितना ज़्यादा स्पेस है। इसके भी फैब्रिक की बात करें तो कॉटन फैब्रिक में आ रहा है, जो सुपर सॉफ्ट है, बहुत ही कंफर्टेबल हो रहा था, बैठने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही थी। अगर डेली के लिए ऑफिस
इसके लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में मीशो से कुछ पिक करना चाहते हैं तो ये कुर्ता सेट पिक कर सकते हैं, क्योंकि ये 350 के अंडर में ही होगा। बाकी इसका एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी, तो देख लीजिएगा। आज हम ढेर सारे कुर्ता सेट देखेंगे, वो भी अंडर 500 में। तो नेक्स्ट वन कुर्ता सेट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कुर्ता सेट था। फासना कुर्ते की बात करें तो कुर्ता कुछ इस टाइप का है, बहुत ही अच्छा लाइट से भी पीच कलर जो होता है उस कलर का है ये कुर्ता। साथ में इसकी फैब्रिक की बात करें तो बहुत ही सॉफ्ट वाला इसका कॉटन फैब्रिक है, स्लीवलेस आ रहा है, इसमें कोई भी अलग से स्लीव्स नहीं आ रही है। साथ में राउंड नेक आ रहा है और हल्के से सेम कपड़े के ना हमको बटन्स लगा के दिए हैं, ये फंक्शनल नहीं है, ऐसे शो पीस के लिए लगा के दिए। क्वालिटी की बात करूँ कुर्ते की, ट्रेंडिंग सूट सेट है बट क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा फैब्रिक है इसका, कॉटन फैब्रिक बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है। साथ में ये कुर्ता है ना पूरा स्ट्रेट कुर्ता आ रहा है और इसमें जो आपको रेड और गोल्डन कलर का दिख रहा है पूरा ही रबर प्रिंट करके दिया है, जो बहुत ज़्यादा ही अच्छी क्वालिटी का है। साथ में ना दोनों साइड से स्लिट है, बैक साइड से बात करें तो बैक साइड से पूरा इस टाइप से प्लेन आ रहा है। बॉटम वेयर हमें रेयन फैब्रिक का मिल रहा है, ये हमको प्लाजो पैटर्न में मिल रहा है। तो इसकी बात करें तो दोनों साइड से हमको इलास्टेटेड आ रहा है बॉटम वेयर, थाइज एरिया से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि प्लाजो पैटर्न में ऑफ व्हाइट कलर में आ रहा है। इसके फैब्रिक की बात करें तो फुल ऑन रेयन फैब्रिक के, बट ऑनेस्टली बोलूं ना सुपर सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बॉटम वेयर प्लाजो मुझे रिसीव हुआ है। आप चाहें तो अदर कुर्ता सेट पे भी डालेंगे तो बहुत ही मस्त लगेंगे। ये कुर्ता सेट भी बहुत ही कम प्राइस का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का निकला है। तो अगर कुछ ऑफिस के लिए डेली वेयर के लिए पिक करना चाहते हो तो इसको पिक कर सकते हैं। इसका भी एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी, तो देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वन कुर्ते की साइड जो है बहुत ही मस्त। तो ये मैंने ए लाइन टाइप से कुर्ता लिया है, इसकी बात करूं तो मैड्रिन नेक आ रहा है इसका, डार्क नेवी ब्लू कलर है। साथ में ना इसमें बहुत ही प्यारे हमको प्लास्टिक वाले वुडन टाइप से बटन लगा के दिए हैं ब्राउन कलर के, बट ये फंक्शनल नहीं है, शो पीस के लिए लगा के दिए। 3-4 स्लीव्स आ रही है। फैब्रिक की बात करें तो फुल ऑन रेयन फैब्रिक का आ रहा है जिसपे बहुत ही अच्छी रबर प्रिंट करके दिए पूरे कुर्ते पे, जो बहुत ज्यादा ही हाईलाइट हो रही है। ये भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, बहुत ही कम बजट में ये कुर्ता है। साथ में ना नीचे से घेर देखिए, पूरा ही हमको अनारकली पैटर्न, मतलब इस टाइप से आ रहा है अनारकली पैटर्न से, जो काफी अच्छा घेर है। लेंथ की बात करूं तो ये काल्फ लेंथ से भी नीचे तक का था और इसका फैब्रिक ना सुपर सॉफ्ट है, मतलब कहीं भी आप फेस्टिवल में भी डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। बैक साइड से बात करें तो बैक साइड से सेम प्रिंट के साथ आ रहा है। तो ओवरऑल ट्रांजी होने की बात करें तो ये कुर्ता बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं है, इसमें भी 2-3 कलर ऑप्शन है बट मैंने डार्क नेवी ब्लू कलर को पिक करा है। अगर ये कुर्ता आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी से ग्रैब कीजिए, नहीं तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। और इसका भी एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी, तो देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वन प्रोडक्ट की साइड जो है बहुत ही मस्त। एक मैंने फिर से एक बहुत ही प्यारा लाइट इलायची ग्रीन कलर का कुर्ता पिक करा है। कभी कभी मीशो पे ना थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है बट अच्छे मिल जाते हैं प्रोडक्ट। तो इसकी बात करें तो ये लाइट इलायची कलर का कुर्ता पिक करा है। ये बहुत ही प्यारा कॉटन फैब्रिक है इस कुर्ते का, जो सुपर सॉफ्ट है। साथ में इसमें राउंड नेक आ रहा है, एल साइज का पिक करा है, 3-4 स्लीव्स आ रही है। और है ना आप इस की क्लॉथ को देखिए, हल्का सा खादी कॉटन टाइप से है जिसमें इसमें लाइनिंग टाइप से आ रही है। साथ में ना बहुत ही प्यारी आस्तीनों में हल्की सी उन्होंने एम्ब्रॉयडरी वाला टचअप करके दिया है। बाकी योग पोर्शन पे पूरा एम्ब्रॉयडर्ड विथ फॉइल मिरर को टक करके दिया है, इसलिए ये कुर्ता मुझे बहुत पसंद आया है। लेंथ की बात करें तो ये मुझे एग्जैक्ट नी लेंथ तक का था, मेरी हाइट 5'4" है। साथ में ना दोनों साइड से स्लिट आ रही है। बैक साइड से बात करें तो बैक साइड से पूरा प्लेन मिल रहा है। पर्सनली इसका मुझे कलर बहुत अच्छा लगा था, हल्का सा कॉटन फैब्रिक था, ऑफकोर्स ट्रांजी होगा तो इस पे अगर आप व्हाइट लाइनिंग डालेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वन प्रोडक्ट की साइड। उसके साइड बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस दी लाइक बटन, बेल आइकन को भी हिट करना ना भूले। अगर आपको इस टाइप के हॉल वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वन प्रोडक्ट की साइड। एक और मैंने कुर्ता सेट पिक करा, इसका भी ना मुझे कलर बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा था और आज का पूरा हॉल ही हमारा अंडर 500 में। तो ये भी कुर्ता सेट है, इसमें कुर्ता और बॉटम वेयर आ रहा है। तो फर्स्ट नाम कुर्ते को देखेंगे, बहुत ही प्यारा स्काई ब्लू कलर जो होता है उस कलर का ये कुर्ता है। तो इसकी बात करें तो राउंड नेक आ रहा है, 3-4 स्लीव्स आ रही है इस टाइप से। और ना पूरे कुर्ते के योग पोर्शन की बात करें तो हमें एम्ब्रॉयडर्ड विथ फॉयल मिरर टक करके दिया है, जिससे योग पोर्शन इसका अच्छा खासा हाईलाइट हो रहा है। बाकी इसके फैब्रिक की बात करें तो बहुत ही सॉफ्ट वाला रेयन फैब्रिक है, दोनों साइड से हमको स्लिट मिल रही है। और ना इसकी पर्सनली मुझे पिंक कलर की फ्लावर की डिटेलिंग बहुत अच्छी
अच्छी लगी है। इसका इतना लाइट कलर है कि बहुत ही आई सूदिंग कलर है, साथ में इसकी प्रिंट भी बहुत ही प्यारी बेबी पिंक कलर से करके दी है। बैक साइड से बात करें तो बैक साइड से पूरा इस टाइप से प्लेन मिल रहा है। तो ओवरऑल कुर्ता क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा, और देखिए कितना सॉफ्ट वाला फैब्रिक है, ऑफिस के लिए डेली वेयर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम इसके बॉटम वेयर को देखेंगे, तो बॉटम वेयर भी हमें सेम स्काई ब्लू कलर का मिल रहा है इस टाइप से। पैटर्न की बात करें तो ये भी पैंट पैटर्न का आ रहा है, फुल लेंथ का बॉटम वेयर है, कोई भी मतलब बिल्कुल भी छोटा नहीं हो रहा था। दोनों साइड से हमको इस टाइप से इलास्टेटेड मिल रहा है, और बहुत ही अच्छी उन्होंने हमको प्रिंट करके दी है, थाइज एरिया से इतना ज़्यादा स्पेस है। तो ओवरऑल कुर्ता सेट बहुत ही अच्छा है, गो फॉर इट। इसका भी एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी, तो देख लीजिएगा, और इसमें भी साइज मैंने एल साइज पिक करा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वन प्रोडक्ट के साइड, जो है बहुत ही मस्त। एक मैंने कुछ ब्लू कलर का ये कुर्ता पिक करा है। फर्स्ट आप देखिए, इसमें दो कलर ऑप्शन है, बट मैंने डार्क नेवी ब्लू, इस टाइप के ना डार्क कलर बहुत अच्छे लगते हैं आप किसी भी स्किन टोन के हो। तो ये अनारकली पैटर्न में है, तो इसकी बात करें तो इसमें राउंड नेक आ रहा है, एल साइज का पिक करा है। इसमें हमको 3/4 स्लीव्स आ रही है, जिसमें बहुत ही अच्छी उन्होंने सिल्वर और ब्लू थ्रेड से, जिससे ना ये कुर्ता बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट हो रहा है। साथ में योग पोर्शन की बात करें तो फुल ऑन एम्ब्रॉयडर्ड वाला योग पोर्शन मिल रहा है, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। इसके फैब्रिक की बात करें कुर्ते के, तो फुल ऑन रेयॉन फैब्रिक का आ रहा है, और ना वेस्ट पोर्शन से आप घेर देखिए, बहुत ही अच्छा उन्होंने फ्लैरी वाला घेर दे रखा है, इतना बड़ा घेर है। नीचे से देखिए अलग से उन्होंने प्रिंट करके दिए, और नीचे से भी सिल्वर कलर की गोटा पट्टी की डिटेलिंग करके दिए। बैक साइड से बात करें तो बैक साइड से सेम वही हमें गोटा पट्टी की डिटेलिंग करके दिए। साथ में ना हमको इस कुर्ते में ना इस टाइप के एक एक पिलो वाले टेसल्स इस टाइप से दे रखे, जिसको आप पीछे चाहे बैक साइड से बांध सकते हैं, या ऐसे ही शोपीस के लिए लटकने दे सकते हैं। तो ओवरऑल कुर्ता बहुत अच्छा है, और इसका मुझे पर्सनली घेर बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है, साथ में ये बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं है। कम बजट में अच्छा पिक करना चाहेंगे तो ये कुर्ते को ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वन प्रोडक्ट की साइड, उसके साइड बढ़ने से पहले जो आज मैंने बहुत ही प्रीटी सा कुर्ता वेयर कर रखा है, ये कंप्लीट कुर्ता सेट है, ओनली इसमें दुपट्टा नहीं आ रहा है। तो इसका भी ना हॉल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। और एक आइकन बटन आ रहा है, अगर इस पे प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट इस वीडियो को देख सकते हैं, ये भी अंडर 500 में। तो जल्दी जाइए, इस लिंक पे क्लिक करिए, और आप इस हॉल वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वन प्रोडक्ट की साइड, जो है बहुत ही मस्त। एक मैंने कॉटन फैब्रिक का फिर से कुर्ता सेट पिक करा है, इसमें कुर्ता और बॉटम वेयर आ रहा है। तो फर्स्ट ना कुर्ते को देखेंगे तो कुर्ता कुछ इस टाइप का है, ये गोश्री के ब्रांड का है। गोश्री के ब्रांड के कुर्ता सेट बहुत ही अच्छे निकलते हैं आफ्टर वॉश भी। कुर्ते की बात करें तो ये मैंने ग्रे कलर का पिक करा है, इसमें राउंड नेक विद हल्का सा वी कट आ रहा है, 3/4 स्लीव्स आ रही है, स्लीव्स को हल्का सा फोल्ड करके दिया है, जिसमें अलग से प्रिंट करके दिए। बाकी पूरा कुर्ता कॉटन फैब्रिक का है, फुल ऑन ऑफिस वेयर डेली वेयर कुर्ता सेट है, बहुत ही प्यारी उन्होंने फ्लोरल प्रिंट करके दिए पीच कलर से, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही थी। पूरा ही कुर्ता स्ट्रेट कुर्ता है, दोनों साइड से स्लिट मिल रही है। बैक साइड से बात करें तो बैक साइड से पूरा इस टाइप से सेम फ्लोरल प्रिंट के साथ मिल रहा है। कुर्ते की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और देखिए आप बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं है। अगर कुछ कम प्राइस में अच्छा पिक करना चाहते हैं तो इस कुर्ते सेट को ले सकते हैं। अब हम इसका बॉटम वेयर देखेंगे। बॉटम वेयर कुछ इस टाइप का, ये भी सेम ग्रे कलर का है, जिसमें अलग से प्रिंट करके दिए, छोटे छोटे फ्लावर वाली डिटेलिंग करके दिए। पैंट पैटर्न में आ रहा है इस टाइप से, थाइज एरिया से काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। दोनों साइड से बॉटम वेयर इलास्टेटेड आ रहा है इस टाइप से, जो सुपर कंफर्टेबल था। साथ में ना इस टाइप से देखिए आप कितना ज़्यादा स्पेस करके दिया है थाइज एरिया पे। तो ओवरऑल बॉटम वेयर की लेंथ भी अच्छी है, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक का है। इसका भी एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी, तो देख लीजिएगा। और इन सभी कुर्ता सेट के मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड विथ लिंक दोनों दे दूंगी, तो वहां से आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट वन प्रोडक्ट के साइड, जो है बहुत ही मस्त। वैसे भी आज का पूरा हॉल अंडर 500 में, और इतने प्यारे प्यारे कुर्ता सेट हैं। तो नेक्स्ट वन कुछ मैंने ये काफ्तान पिक करा है, कुछ इस टाइप का है, बहुत ही प्यारा येलो कलर का मैंने काफ्तान पिक करा है। काफ्तान में योग पोर्शन से बात करें तो राउंड नेक आ रहा है, जिसमें बहुत ही अच्छा योग पोर्शन पे फॉयल मिरर का काम करके दिया है, साथ में पिंक और येलो कलर के टेसल्स की डिटेलिंग करके दिए। बाकी पूरा ही काफ्तान बहुत ही अच्छा नी लेंथ तक का था, मेरी हाइट 5'4" है, और ना आस्तीनों पे इस टाइप की सिल्वर कलर की इस टाइप की बॉर्डर लगा के दिए। पर्सनली इसका मुझे फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगा, क्योंकि रेयॉन फैब्रिक का, और देखिए कितनी प्यारी फ्लोरल प्रिंट करके दिए, जिससे
काफ्तान को डाला था बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल लग रहा था, तो बहुत ही प्यारा काफ्तान है। बैक साइड से बात करें तो सेम वही फ्लोरल और लीव्स की डिटेलिंग के साथ मिल रहा है। ये पूरा ही प्रिंटेड करके दिया है, बट इसके कलर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। इसमें कई बहुत ही अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल से कलर हैं, तो आप वो देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल काफ्तान बहुत प्यारा है, रेयन फैब्रिक का है, और देखिए आप ये बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं है। और आस्तीन भी हमको इस टाइप से एल्बो तक की आस्तीन करके दिए हैं, जो बहुत अच्छा लग रहा है। इसका ना ट्रायन हॉल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसका भी एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी, तो देख लीजिएगा। ये था मेरा आज का हॉल वीडियो अंडर 500 में मीशो से। आई होप आपको आज का हॉल वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। अगर वीडियो बहुत पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप आप सभी स्वस्थ और बहुत ज़्यादा ही मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।